चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी या मशीन में आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ पाथ कांटेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि गियर ड्राइव जो होती है गियर ड्राइव में लेंथ ऑफ पाथ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेंथ ऑफ पाथ कांटेक्ट के लिए सबसे पहले हमको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। इस डायग्राम में इसमें दो व्हील हैं, एक हमारे इसमें ऊपर टॉप वाला है जो व्हील है और जो बॉटम वाला है वो पिनियन है, एक व्हील और पिनियन। अब इसमें क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट O2 लेते हैं और यहाँ से सेंटर पॉइंट एक O1 लेते हैं और दोनों में एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद O2 पॉइंट से एक रेडियस का हम एक सर्कल बनाते हैं और एक दूसरा सर्कल बनाते हैं। इस टाइप से ये सर्कल बनाते हैं और एक ये सर्कल बनाते हैं। इसके बाद यहाँ बॉटम साइड से भी इसको कॉन्टेक्ट के द्वारा इस टाइप से सर्कल बनाते हैं और इस टाइप से सर्कल बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें सर्कल बनाने के बाद इसके बीचों बीच एक डॉटेड सर्कल बनाया जाता है जो कि इसमें क्या कहलाता है, पिच सर्कल कहलाता है। इसमें भी हम लोग बॉटम वाले से ही बनाते हैं इसमें, तो ये भी पिच सर्कल कहलाता है। इसमें तीन सर्कल बनते हैं, तीन सर्कल में हमारे पास इसमें जो रहता है ओवन पॉइंट, जैसे हम पिनियन में समझेगा तो पिनियन में ओवन पॉइंट से जो आउटर वाला जो सर्कल होता है वहाँ तक का रेडियस होता है वो एडेंडम होता है, और एडेंडम रेडियस मतलब आर ए, स्मॉल आर ए बता देते हैं, ये जो होता है एडेंडम सर्कल होता है, एडेंडम सर्कल कहलाता है ऑफ पिनियन का। बीच वाला सर्कल जो होता है वो पिच सर्कल कहलाता है, पिच सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, आर रेडियस रहेगा। और जो बॉटम वाला हिस्सा होता है सर्कल होता है, ये सर्कल होता है ये बेस सर्कल कहलाता है। तीन सर्कल होते हैं, टॉप वाला एडेंडम सर्कल, बीच वाला होता है सेंटर वाला पिच सर्कल और बॉटम वाला होता है बेस सर्कल, तीन सर्कल। और इसमें जो रेडियस बताना है, रेडियस इसमें आ जाएगा एक एडेंडम सर्कल तक का रेडियस जो रहेगा वो आर ए से डोंट करेंगे जो कि एडेंडम का रेडियस है। जो बीच से जो रहेगा रेडियस पिच सर्कल का रेडियस रहेगा वो आर रहेगा, रेडियस ऑफ पिच सर्कल। इसके अलावा इसमें एंगल बता देते हैं, फाई एंगल होता है जो कि इसका फेस एंगल कहलाता है। फेस एंगल के बाद इसी टाइप से सिमिलरली हम व्हील में देखेंगे, ये व्हील वाला है, ओ टू पॉइंट हम देखेंगे तो ये टॉप वाला हिस्से का जो रेडियस रहेगा वो आर ए, एडेंडम रेडियस ऑफ सर्कल किसका, व्हील का, और आर रहेगा पिच सेंटर वाले से तो ये पिच सर्कल रहेगा ऑफ व्हील का, और ये बॉटम वाला रहेगा वो बेस सर्कल कहलाता है, और इसमें जो एंगल होता है वो फाई एंगल होता है। इसके अलावा क्या होता है, जब इसमें हम लोग जब दोनों पॉइंट को मिलाया जाता है इंटरसेक्ट होता है तो पिच सर्कल के बीचों बीच में इंटरसेक्ट होता है, मतलब बीचों बीच पॉइंट में मिलता है, मीट करता है, मीट करता है, उस पॉइंट को हम पी बोलते हैं, पी पॉइंट आ जाएगा। इसमें एक हम इस टाइप से इंक्लाइन लाइन खींचते हैं, इंक्लाइन लाइन खींचने पर इसमें जो लाइन निकलती है इस लाइन की, इंक्लाइन लाइन खींचते हैं इसकी जो लंबाई निकलती है उसी को हम लेंथ ऑफ पाथ कांटेक्ट बोलते हैं। और लेंथ ऑफ पाथ कांटेक्ट में दो कंडीशन होती है, एक होता है लेंथ ऑफ अप्रोच, दूसरा होता है लेंथ ऑफ रेसेज। जिस साइड गियर अगर रोटेट कर रहा है, जिस साइड ये अगर डायरेक्शन को पकड़ रहा है, तो ये जो होता है जैसे मान लो ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है और ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो इस साइड अगर घूमेगा अगर ये, तो क्या होगा, ये इसमें पकड़ेगा इसको और इस साइड से ये छोड़ेगा, और जिस साइड ये पकड़ता है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच। इस साइड वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ अप्रोच मतलब पकड़ने वाले को, और जिस साइड टीथ छोड़ते जाते हैं उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ रेसेज। तो लेंथ ऑफ रेसेज मतलब रेसेज वाला हिस्सा होता है, और ये जो पी से के तक के बीच में होता है, पी से के बीच में होता है वो होता है लेंथ ऑफ अप्रोच, और जो पी से एल के बीच में होता है वो होता है लेंथ ऑफ रेसेज। जिसमें हम दो चीज़ निकालते हैं, लेंथ ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ रेसेज। तो इसमें हमारे पास आता है क्या, के से पी, के पी जो लेंथ ऑफ रेसेज होता है, सॉरी लेंथ ऑफ अप्रोच होता है, और पी एल जो होता है वो लेंथ ऑफ रेसेज होता है। तो हम इसमें हम फार्मूला जानेंगे, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच के लिए के पी इक्वल टू फार्मूला होता है, के पी मतलब ये वाला यहाँ तक का, जो कि फार्मूला होता है रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कास स्क्वायर फाई माइनस आर इंटू साइन फाई। यहाँ पर आर ए है वो एडेंडम का रेडियस है, कैपिटल आर मतलब व्हील का, और अगर स्मॉल आर है मतलब पिनियन का, तो कैपिटल आर ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर इंटू साइन फाई, ये हो जाता है लेंथ ऑफ अप्रोच या पाथ ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं इसको। फिर होता है लेंथ ऑफ रेसेज, रेसेज का हिस्सा कैसा होता है, राइट साइड होता है, इसमें क्या होता है पी एल इक्वल टू पी से एल तक का डायमेंशन, तो रूट स्मॉल आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर इंटू साइन फाई। जो आर ए होता है एडेंडम रेडियस होता है किसका, पिनियन का, पिनियन का एडेंडम रेडियस होता है, आर होता है रेडियस ऑफ जो व्हील पिच सर्कल तक का रेडियस होता है वो आर होता है, और फाई होता है फेस एंगल। तो इसमें दो फार्मूले आते हैं,
लेंथ ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ रेसेज। अप्रोच का होता है ये वाला फार्मूला के पी का, और लेंथ ऑफ रेसेज का फार्मूला होता है ये पी एल इक्वल टू ये फार्मूला होता है। अब इसमें लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट, इससे हम के पी और पी एल निकाल लेते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, वो होता है लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट, मतलब के पी निकलेगा और पी एल निकलेगा, तो दोनों का मिलाकर डायमेंशन निकलता है, ये होता है लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट। तो इसमें लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा, के एल इक्वल टू के पी प्लस पी एल, ये जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट। लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट निकालने के बाद इसमें हमको आता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट अपॉन कॉस फाई, जो भी हम यहाँ लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट निकालेंगे वो अपॉन कॉस फाई, फेस एंगल रख देंगे तो इससे हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट निकल जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के बाद इसमें एक चीज़ और आती है कॉन्टेक्ट रेशो। कॉन्टेक्ट रेशो का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट अपॉन पी सी, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जो इससे निकलेगा वो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर, और पी सी जो रहता है वो कहलाता है सर्कुलर पिच, जिसका फार्मूला होता है पाई इंटू एम, पाई इंटू एम, एम जो कि यहाँ पर मॉड्यूल कहलाता है, मॉड्यूल होता है एम, तो मॉड्यूल को हम वैल्यू पुट कर करके पी सी निकालेंगे, सर्कुलर पिच कहलाता है। इस टाइप से इसमें हम निकालते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच, के पी इक्वल टू रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर इंटू साइन फाई। लेंथ ऑफ रेसेज, पी एल इक्वल टू रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर इंटू साइन फाई। लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट आ जाएगा के एल इक्वल टू के पी प्लस पी एल, इससे हम लेंथ ऑफ पाथ कॉन्टेक्ट निकालते हैं। फिर लेंथ ऑफ आर का कॉन्टेक्ट आता है, इसका फार्मूला लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट अपॉन कॉस फाई, इससे हम लेंथ ऑफ आर का कॉन्टेक्ट निकालते हैं। कॉन्टेक्ट रेशो, इसमें होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट अपॉन पी सी, पी सी जो कि होता है सर्कुलर पिच, जिसका फार्मूला होता है पाई इंटू एम, एम जहाँ पर मॉड्यूल कहलाता है। इस टाइप से हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट का फार्मूले जानते हैं।